अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। आज मैंने मेरे दी ने कहा था कि सोन पापड़ी बनाओ। ओके, मैंने सोचा कि सोन पापड़ी बनाना बहुत ज़्यादा इजी होगा, बट मैंने सोचा बट इट वाज नॉट, बिकॉज मतलब दिखने में जो आसान दिखता है ना उसमें बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने ट्राई किया एंड मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल 1 कप आटा ले लिया एंड अच्छे तरीके से उसे रोस्ट कर लिया। फिर मैंने लिया मतलब 1 कप ऑफ शुगर लिए एंड उसे अच्छे तरीके से शीरा बना लिया। ठीक है, शीरा बनाने में मतलब इट जस्ट टेक 15 to 20 मिनट्स आपको रोस्ट एंड शीरा बनाने में लगेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ट्विस्ट स्टार्ट होगा ना इट विल बी द एट अनदर लेवल। ठीक है, मैंने इतनी मुश्किल से शीरा बनाया। देन मैंने क्या किया, एक मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टिकीनेस चेक की एंड इट वॉज़ ईजी, मतलब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर बट मैं जब मैं फर्स्ट ट्राई अटेम्प्ट की बट इट जस्ट फेल्ड, यू नो। फिर मैंने किया ठीक है सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं। फिर मैंने फिर से उसे मतलब पानी में ना वो ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि पानी में ऐड कर दूँगी, जब वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा फिर निकाल के जल्दी जल्दी से मतलब मैं सोन पापड़ी बना दूँगी। बट इट वॉज़ नॉट लाइक दैट, बट इट हैज़ फेल्ड अगेन, यू नो। फिर से मैं फेल हो गई, बट मैंने सोचा अब मैं डायरेक्टली प्लेट में डाल दूँगी एंड थोड़ा सा आटा ऐड करके जैसा आटे को हम लोग गून लेते हैं वैसा गून लूँगी। बट आई वॉज मतलब मैंने ट्राई किया वैसा, बट जैसे मैंने आटा ऐड करने लगा लगी थी वो ना एक लिक्विड जैसा पेस्ट बन रहा था। तो मतलब फिर मैंने फिर से मतलब जैसे उसे और थोड़ा सा आटा ऐड करना शुरू किया, इट वॉज़ लाइक मतलब एकदम से वो शीरा कर मतलब एकदम स्टिक हो गया था। अच्छे तरीके से फिर स्पीड मतलब गूंदने स्टार्ट करिए, वो आफ्टर 10 सेकेंड ये है ना मतलब कड़क हो गया एंड ट्रस्ट में वो बहुत ज़्यादा गर्म था शीरा, मेरे हाथ इतने जल रहे थे पता है। इट वॉज़ टू मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज़ टू पेनफुल एंड ये जो है ना बस जब वो गर्म गर्म होता है तभी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जब वो ड्राई हो जाए इट विल बी इम्पॉसिबल। एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ बिफोर लिविंग माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।